है, आई होप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है कि मोबाइल में शॉर्टिंग चेक करना। बहुत लोग कहते हैं कि शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग क्या होती है, हाफ शॉर्टिंग क्या होती है, कैसे इसको चेक किया जाता है, किसी भी को कहाँ चेक किया जाता है, किस कंडीशन में चेक करते हैं। तो हम आपको बता दें कि शॉर्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल सेटों में शॉर्टिंग की समस्या ज़्यादा आ जाती है। शॉर्टिंग में एक तो होती है फुल शॉर्टिंग, फुल शॉर्ट में क्या है, मोबाइल ऑन नहीं होती। कुछ पीसीबीओं में हाफ शॉर्टिंग होती है। अब हाफ शॉर्टिंग में क्या होता है कि हाफ शॉर्टिंग में सेट ऑन रहता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बैटरी का फुल जाना या बैटरी का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना। इस तरह की समस्या हाफ शॉर्टिंग में आती है। तो हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। इससे पहले कि हम आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं, कुछ समझाते हैं। देखिए, ये क्या है हमारा मोबाइल का बी सी आप जानते हैं, बैटरी कनेक्टर को बोलते हैं। और ये भी क्या है हमारा बी सी है, ये दोनों बैटरी कनेक्टर हैं। तो आप जानते हैं कि ये वाला बैटरी कनेक्टर हमारे एंड्राइड सेटों में लगता है और ये नॉर्मल सेटों में। आपको पता भी है कि इसमें 4 पिन है, उसमें 3 पिन है, तो नाम क्या होगा तो हम आपको ये भी बता दें। अगर ये 4 पिन जो दिख रहे हैं बैटरी कनेक्टर के एंड्राइड स्मार्टफोनों में, इसमें एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, यानी जो मोटी पिनें दिखाई देंगी पीसीबी पर वो आपका प्लस माइनस है। बाकी आपकी जो पक पक की दिखाई देती है ये दो लाइन, ये इसमें से एक आईडी होती है और एक TEMP यानी टेम्परेचर की होती है। और आईडी मतलब इंटरफेस, ठीक है। अभी हमको क्या चेक करना है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को रखना पड़ेगा कंटिन्यूटी रेंज में और रेड प्रॉब को पीसीबी पर कहीं भी अंत कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, और ब्लैक प्रॉब को हम कहाँ रखेंगे, मोबाइल के बैटरी कनेक्टर के प्लस पर, ठीक है। इस वाले को पीसीबी में कहीं भी अंत, रेड वाले को अंत और ब्लैक वाले को बैटरी कनेक्टर के प्लस पर। यदि इस कंडीशन में क्या है 300 से 600 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। और जब यही प्लग पलट देंगे, यानी अब रेड वाले को यहाँ रख देंगे, अब ब्लैक वाले को अर्थ कर देंगे पीसीबी पर, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए। इस कंडीशन में जिस दिखा है कि सेम है, यानी इस कंडीशन में भी इतना ही बता रहा है, ठीक है, या 700-800 बता रहा है या 200-150 कुछ भी बताया, यानी दोनों तरफ से, यानी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों तरफ से चेक करना है, तो दोनों तरफ से यहाँ क्या है रीडिंग आ रही है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसमें हाफ शॉर्टिंग है, इसमें हाफ शॉर्टिंग। और यदि दोनों तरफ बीप की आवाज़ दे, जैसे कि इस कंडीशन में भी चेक करेंगे बीप की आवाज़ देगा और प्लग पलट देंगे तब भी बीप देगा, उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि मोबाइल में फुल शॉर्टिंग, इसमें फुल शॉर्टिंग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ हम इसमें कहाँ चेक करेंगे, रेड वाले को प्लस पर रखेंगे और ब्लैक वाले को कहीं भी ग्राउंड कर देंगे, तो इसमें भी सेम वही वाइब होनी चाहिए जो हमारे किसी की कीपैड मोबाइल में हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जैसे कीपैड के, जैसे इसमें हमने बताया कि 3 पिनों में चेक कैसे होगा, तो मोबाइल चाहे कोई भी हो, स्मार्टफोन कोई भी हो या कीपैड मोबाइल हो, उसमें शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम लोग बैटरी कनेक्टर पर ही शॉर्टिंग चेक करते हैं, ठीक है। आइए हम पीसीबी पर प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कितनी कितनी वैल्यू बताती है। सही कंडीशन में कौन होगा, हाफ कंडीशन में कौन है, फुल शॉर्ट कौन है,
इसमें आपको देखिए तीन पीसीबी हम लिए हुए हैं, मीटर को करेंगे कंटिन्यूटी में, मल्टीमीटर भी आप रीडिंग देखते रहेंगे यहाँ पर और ये भी देखेंगे। चलिए पहले इसको लेते हैं छोटे वाले को, रेड है ब्लैक है, और रेड वाले को हम कहाँ रखेंगे, कहीं भी ग्राउंड मोबाइल में जितनी भी चीज़ होती है ना, जैसे ये बाउंड्री जो देख रहे हैं, कैप जो लगा हुआ है पतला, या सिम के ऊपर, ठीक है, या ये सब क्या है, ग्राउंड है, अर्थ है। अर्थ के लिए हम रेड वाले को अर्थ करेंगे, और बैटरी कनेक्टर के प्लस ये वाली पॉजिटिव पिन है तो पॉजिटिव पर हम रखेंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आप मल्टीमीटर की रीडिंग देख सकते हैं, रीडिंग आप देखते रहे, देखिए इसमें क्या है 253 शो कर रहा है। तो अब इस प्रॉब को हम पलट देंगे, यानी ब्लैक वाले को ग्राउंड कर देंगे और रेड वाले से फिर वहाँ रखेंगे जहाँ रखे हुए थे। तो इसमें अब देखिए इधर से भी बता रहा है, यानी सेम वैल्यू है, यानी फॉरवर्ड बायस में भी इतना ही बता रहा है और रिवर्स बायस में भी इतना ही बता रहा है। तो अगर आपको इस तरह का किसी मोबाइल में अगर रीडिंग मिले तो आप उसको कहेंगे हाफ शॉट, इसको हाफ शॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, इसमें देखिए मल्टीमीटर में 0-0 है और बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, ये शॉर्ट है। इस तरीके से भी चेक करेंगे, प्राप पलट के चेक करेंगे, इस कंडीशन में भी बताएगा, यानी दोनों तरफ से फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों स्थिति में क्या है, यहाँ पे बज रहा है, इसको हम लोग कहेंगे फुल शॉर्ट, ये फुल शॉर्टिंग है। आइए एक इसमें देखते हैं स्मार्टफोन में, इसमें रीडिंग है, अब इसको फॉरवर्ड करेंगे, इस कंडीशन में क्या है, कुछ भी नहीं बताया। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्टिंग मोबाइल में इस प्रकार से चेक किया जाता है, शॉर्टिंग जो है ऐसे चेक करेंगे। अब बात यह है कि हाफ शॉट हो या फुल शॉट हो तो उसको जो है रिपेयर कैसे किया जाएगा। हाफ शॉट फुल शॉट को रिपेयर करने का तरीका भी अलग अलग है। अगला जो मेरा वीडियो बनेगा तो हम ये बताएंगे कि अगर मोबाइल में हाफ शॉट है उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, और फुल शॉट है उसको कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या इसमें जो है मटेरियल लगेगा, डीसी मशीन की रीडिंग क्या होगी, वो सब हम फिट कर करके आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है, आई होप शॉर्टिंग के बारे में आप समझ गए होंगे कि शॉर्टिंग कहाँ चेक किया जाता है, किसको हाफ बोलते हैं, किसको फुल बोलते हैं, कौन सी सही रीडिंग है, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ इसमें दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कुछ लिख के बता दें, हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही था, जय हिंद जय भारत।